पक्षी हमसे अच्छा गिनदर अच्छा है, हम लोग जानवर में गिनती में नहीं, हमसे अच्छा जानवर नहीं वोट देगा जान से मर देंगे, घर गांव से भगा देंगे, ये कोई तरीका है? गर्दन में कफन डाल लिए हैं तो आज ही मरेंगे कल ही मरेंगे, मौत से भी कभी खाली नहीं है। खरसनपुर भी यहाँ जो काफी दिनों से चुनाव को लेकर कुछ मामला चल रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों से हम जानते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं। जी सर, समस्याएं हैं सर कि जो पूर्व मुखिया थे जो हार गए हैं, उनके लड़का हमें फ़ोन करके धमकी वगैरह देते हैं और गंदे गंदे शब्दों में गाली भी दिए हैं। जो उन भूतपूर्व मुखिया रविशंकर सिंह हैं, उनके लड़का सनी सिंह और उन्हीं के समर्थन एक सरोज यादव है, वो दोनों हमें फ़ोन करके बहुत धमकी दिए और गंदी गंदी गाली भी दिए और हमारे गाँव समाज को भी गाली दिए और कहे, मतलब बहुत गंदी गाली जो हम बता नहीं सकते। आपने इसकी लिखी शिकायत वगैरह अपने और जो प्रशासनिक विभाग है उनको किया कि नहीं? जी सर, थाना में भी हम दिए हैं लिख करके रिपोर्ट, तो थाना में 3 दिन दिए हुए हो गए और कोई एक्शन नहीं आया अभी तक, और थाना से ऊपर भी हमने डीएम और डीआईजी आईजी वगैरह सबको दिए हैं और ऊपर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एसपी सर को भी दिए थे, अभी एसपी सर से बात हुई है, तो रीडर एसपी सर के रीडर से बात हुई है, तो रीडर ने कहा, उनने कहा कि ठीक है हम अभी थाना में कॉल करके एक्शन लेते हैं, वो आपके पास जाएंगे। आपने अपने समाज में किन लोगों को कहा, किन किन लोगों को समाज में? मैंने जो मुख्य थे जो हारे हैं मुखिया जी, जिनके लड़का हमें सनी सिंह गाली दिए हैं रविशंकर सिंह, उनको भी हम भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कल आपको बता देंगे इसका हल। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्हीं के सरपंच उन्हीं के दयाद में जीते हैं, उनके चचेरे भाई होंगे, उन्होंने भी कहा, अमर सिंह जिनका नाम है, उन्होंने भी कहा कि कल सुबह बताएंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया अभी तक, जबकि 4-5 दिन भी घटना को हो चुकी है और रोज रोज हमें फोन करके कुछ न कुछ धमकियां मिलती ही रहती। नंबर वार्ड से आते हैं हम, 6 से 6 नंबर वार्ड से जी। हम यहाँ के समाज से भी जो धर्मवीर जी है इनसे हम जानते हैं कि वाकई ये घटना कहाँ तक सही है या फिर इसमें और क्या बात है। देखिए, जिस रात में ये घटना हुआ था उस रात में मुजाहिद ने हमें फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई है, हमने इस पर विश्वास नहीं किया, तो इन्होंने अपना जो मोबाइल पे जो भी डिस्कस हुआ था उसका रिकॉर्डिंग हमें भेजा, उन्होंने भेजा और भेजा क्या, सुबह तक तो पूरा वायरल हो चुका था गांव में। जब हमने सुना कि ऐसे ऐसे बात बोली जा रही है तो हमें भी दुख पहुंचा कि उन्होंने इस बात का जो जाहिर किया है ये गलत है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि अगर वोट मांगने की बात हो रही है तो वोट तो मतदाता की है, हम तो 5 साल से हम लोग मतलब 5 बार से हम लोग हार रहे हैं, लेकिन आज तक तो हम लोग किसी को नहीं कुछ गाली दिया ना गलौज किया है। दूसरा, उसके बाद ये वार्ड नंबर 1 का घटना है, और वार्ड नंबर 1 की घटना में अगर आप जो देखिएगा कि जो मतदाता जो जहां से जो ये काउंटिंग हुई थी उस काउंटिंग हॉल से रिपोर्ट मंगाते हैं तो वार्ड नंबर 1 में उनका छाप था पुल छाप, जबकि सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिला है, 181 वोट जो है उनको मिला है। सर, इस चुनाव में आप भी प्रत्याशी रहे हैं? हम भी प्रत्याशी थे, हमारी पत्नी थी प्रत्याशी निशा सिंह थी, जिसका हमारा जो छाप था वो ढोलक छाप था, और जो वर्तमान मुखिया है वो बैगन छाप से थे, उनको कम मिला है, और उनसे उनको 181 मिला, हमको 139 मिला। ठीक है, नहीं उनका पुल छाप था जो हार चुके हैं मुखिया जी, उनका उनको 181 वोट मिला इससे, और हम लोग को हमको मिला ढोलक छाप को 139। तो कहीं ना कहीं बेहतर तो उनको यहाँ 1 नंबर वार्ड तो दिया ही दिया है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया है, और उसके बावजूद भी अगर वो वोट हो जाने के बाद हार जाने के बाद अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है नहीं। तो सर, आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है समाज में या लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि 5 साल जीतने के बाद जनता ने दोबारा 5 साल इनको दिया, फिर उन्होंने बोला कि भाई 5 साल रहना, क्या है कि वो बोले कि भाई हमको तो 15 साल नहीं 20 साल राज करना है इस गांव पे। तो होता क्या है कि 5 साल के बाद थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा, 10 साल के बाद पूरा हो गया, अब 15 साल पे तो चाहे कि पूरा गांव ही हम कब्जा करके रखें, जो कहेंगे सो ही होगा। लाठी डंडा हम पे उठाने के लिए तैयार था, पासवान टोला में ऐसा हुआ भी हम पे एक बार उसी इलेक्शन के दौरान में, हम पे बोला लाओ रे लाठी लाओ रे, लेकिन वो हमारे ऐसे रिश्ते में चचा जी भी लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो सारा कुछ है वो धीरे धीरे जनता अब 5 साल में जानना शुरू देखना शुरू कर देगा, रंग रूप जो भी है वो सब आप सामने में आना शुरू हो चुका है। अभी इस इलेक्शन के माहौल में हमने क्राइम में हमने पूरा आवेदन दे चुके हैं, जिन्होंने हमें जागरूक मतदाता से खरसंड पूर्वी पंचायत से उन्हीं का लड़का ये सब चालू किए हुए था,
और टोटल उस पर कार्टून बनाना कहाँ कहाँ क्या है नहीं है वो टोटल कंप्लेन हम लोग कर चुके हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे आपके सोशल मीडिया पे तो इन्होंने जो हरकत नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो सब भी हुआ। किसी की माँ बहन बेटी को मतलब ऐसा यूज करके गाली दिया गया है और जैसे उसको सामने में प्रकट किया है। सोशल मीडिया तो है नहीं कि केवल खड़सर में ही चलेगा, वो तो पूरा ऑल इंडिया या ऑल कंट्री में चलेगा। जो जो लोग उसके मतलब फ्रेंड्स उसमें होंगे ऐड में होंगे वो मतलब चलता रहेगा। सोशल मीडिया में इन्होंने इस पंचायत के चुनाव को ऐसा कह दिया है और आप लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हम किस पंचायत की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं मुखिया जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो भूतपूर्व मुखिया जी हैं 10 साल मुखिया रहे, क्या 10 साल में उन्होंने जनता को क्यों नहीं बनाया? 10 साल में उन्होंने जनता के माला क्यों नहीं पहना? 10 साल उनको कम समय तो नहीं था, 10 साल में भी जनता अगर उनसे हट के चला और हुआ तो 10 साल तो जनता उनको स्वागत दिया, उन्होंने फूल माला पहना। और 10 साल के बाद जब उनकी हार हुई तो उन्होंने ऐसा हरकत क्यों दिखाना शुरू किया? उनको तो इस स्वागत को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भाई हमने ठीक है जनता ने हमको नकारा है, फिर हम अच्छे काम करेंगे फिर हमको जनता देगा। लेकिन इस बार में जो कर रहे हैं 10 साल रहे और 15वां साल में जब आप हार रहे हैं तो अब जनता हो के जनता को गाली दे रहे हैं। अच्छा अब तो सुनने में ये भी आ रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो है कि कुछ पैसा उसा बांटा गया, तो बांटा गया तब उससे रिकवरी भी होना शुरू हो चुका है। जो जो पैसा बांटा गया है वो सब रिकवरी भी होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे लाठी का है। देखिए हम तो एक ही बात बोलते हैं कि इज्जत वाले को इज्जत देना चाहिए, लठ वाले को लाठी। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि 10 साल में आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपको मिला और क्या अनुभव है। अब इस 5 साल में उस अनुभव का आपको जो है थोड़ा जरूरत पड़ेगा। और थोड़ा आंख खोल के रखिए, फिर चुनाव आएगा, फिर वही लोग आएंगे और फिर वही समझाएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे गोर पकड़ना है, कैसे मीठी मीठी बातें करना है और कैसे दारू बटेगी। कैसे नीतीश कुमार जी ने दारू बंद कर दिया, इस पंचायत में कार्टून की कार्टून दारू आई है, सबको रातों रात पिलाया जाता है इलेक्शन के समय में। तो सर इसके लिए आपने कभी अपने जो प्रशासन है यहाँ के आपके कल्याणपुर जो थाना है अरे अब कैसे कहिएगा, जो 10 साल आदमी जो रहा है जिस पंचायत के लेवल पे जो बना रहा वो बाहुबली हो गया। तो वो भी मतलब मान लीजिए कि प्रशासन भी तो समझता है कि जो आदमी 10 साल है तो 15वां साल तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन हुआ इस बार तो नजरिया ऐसा चेंज हुआ है कि इस बार तो कहता है कि पुरनका हमको चावल नहीं खाना है, हम तो सब नए के चावल खाएंगे। तो इसीलिए ऐसा मौका मिल चुका है जिसमें मुखिया जी अपना जोर, देखिए हर कैंडिडेट अपना इलेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ता है लेकिन एक रास्ता होता है, लेकिन वो खरंजों से चलते हैं, पीचो रोड से चलते हैं, कचियो रोड में चल जाते हैं, कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं, सबको क्या बोलते हैं नाकाबंदी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस 5 साल में जो मिला है इसमें जनता खुल के आएगी, जो जो जिसके साथ जो जो कांड हुआ है, जो जो समस्या आई है, अब समस्या का बीमारी जो है वो डॉक्टर लोग अब घूमना शुरू हो गया है, बीमारी लोग बताएंगे ही बताएंगे। अब बता दीजिए बहुत सारा ऐसा है, अब गांव की उन्नति की बात करते हैं, क्या उन्नति हुआ है? मान लीजिए कि अगर फंड आएगा सरकार के तरफ से तो फंड गांव में लाएगा तभी ना उसको यूज कीजिएगा, जब फंडे नहीं आएगा तो क्या यूज कीजिएगा। तो फंड तो आया, जहां पे 100 रुपया खर्चा करना चाहिए वहां 20 रुपया हुआ, 80 रुपया जेब मेरा। नहीं तो एक बात तो और है, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो पूर्व मुखिया जो रहे हैं उनसे हिसाब किताब भी मांगा है कि आपने किस योजना में कितना पैसा खर्च किया है, उसका वो रिटर्निंग मांग रहे हैं। अब देखिए महाशय आपसे मैं कुछ, आप महाशय एक बात बताइए कि 5 साल के बाद दोबारा 5 साल बन गए, अब नीतीश कुमार जी जो है 5 साल के बाद दोबारा 5 साल बन जाते हैं तो क्या क्या करते हैं वो पता पता है? अब लालू जी आएंगे या दूसरा कोई आएंगे तब ना पता चलेगा कि क्या किए 10 साल के अंदर में। अब राजू जी आए हैं, राजू जी में ऐसा क्षमता होना चाहिए कि भाई वो 5-10 साल में क्या क्या गड़बड़ हुआ तभी ना उजागर होगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, सो ये उजागर होगा तभी तो होगा। कुछ लोग ट्रैक्टर पे चमचा सब जो है वो देखिए ट्रैक्टर खरीदा गया, वो कहाँ से खरीदा गया, घर बिल्डिंग बन गया कहाँ से बन गया, ये सब जनता का पैसा का मनरेगा का खेला बेला हुआ। यहाँ मनरेगा का योजना आने से पहले दारू का आवंटन होता है, ये इतना फंड जो है दारू में कितना खर्चा होना चाहिए वो सब मनरेगा के पैसे से माइनस होता था। गरीबों को जो स्कूल में जो बच्चा पढ़ती है, जो पाँचवीं कक्षी छठी कक्षी के स्कूल के बच्चा पढ़ रही है, उस बच्चा के अकाउंट में मनरेगा का पैसा सब आता था, ठीक है।
किसका? ये आरोप तो नहीं है। देखिए, हम अगर आरोप लगाते हैं तो हम पे 420, 120 भी, 670, 667, 667 ये सब धारा हम लोग जानते हैं, नहीं समझे? आप हम पे लगा सकते हैं, आपका अधिकार है। हम आपको सब कुछ का प्रूफ देंगे। हम जो भी बातचीत कर रहे हैं उसका एक एक पन्ने का पेज का प्रूफ है। हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उन पे कुछ उल्लंघन लगाऊं या मैं कुछ ऐसा बात बोलूं। हमारे पास हर चीज़ का पेपर का प्रूफ है, पंचायत में जो भी हर चीज़ का प्रूफ है। एक एक पेज, एक एक वर्क का पेपर है हमारे पास। आप जो कहिएगा अभी बोलिए, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। समय दीजिए या आप जहां बोलिए, हम पेपर लेके आते हैं, हर चीज़ का प्रस्तुत देते हैं। कंप्लेन भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन 10 साल का जो घमंड है वो कहते हैं हम बाहर से बाहर फरिया लेंगे। तो बाहर से बाहर कहीं हो सकता है कि उनका कुछ तांत्रिक है, वो तनी चले जाते हैं, प्रिंसिपल आसमान पे चले जाते हैं कि हमारे वो MP हैं, आला कमान है, वहीं संभाल देंगे, हमारा सब कुछ कर देंगे। तो वो आला कमान यहीं से बनते हैं, ठीक है? जनता ही आला कमान है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता अगर नकार दिया, मान लीजिए कि हमको भी जनता नकारा है, लेकिन हमको तो खुशी है कि हमने 10 साल के खेमा को, इस देश को, गांव को 1947 का याद दिलाया है। जनगण मन का हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो जन है उसका हम लोग प्रस्तुत किए हैं कि अब जो है हमारा गाँव आज़ाद हुआ है, ठीक है? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, समय लग जाएगा, आपका जो MV भी पूरा नहीं हो पाएगा, और उस जितना शॉर्टकट में हम आपको बोले, लेकिन हर चीज़ का जो भी मैंने जो शब्द बोला है, मैं गारंटी के तौर पे, मैंने बातचीत किया इसके बात पे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रूफ किया जा रहा है। SP साहब को, DSP साहब को, DM साहब को, ADG को, पटना आयुक्त को, उसके बाद थाना को, सबको मिल चुका है बाय रिटर्न और बाय रिकॉर्डिंग, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, दूसरा सबसे बड़ी बात, मैंने मुद्दा मनरेगा पे उठाया, वो टोटल पेपर मेरे पास है। थर्ड, मैंने जो आपको वो क्या नाम है, मेल पे और उस पे जो फेसबुक पे जो चला है, जो भी कांड, वो सब चीज़ का प्रूफ है, उसका कंप्लेन का लेटर है, उसका ऑथराइज कंप्लेन का रिसीविंग है मेरे पास। मैंने जो जो बात किया है वो सब चीज़ का मेरे पास पेपर है। मैं उनके पर्सनल रिलेशन पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। वो गाँव के मुखिया थे, तो वो मुखिया थे तो उन पे ही आलंघन लगाया जा रहा है कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया है। 10 साल में गांव में तरक्की नहीं हुई है, 10 साल में यही हुआ है। किसको फंसाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, और धमक के रहे, गांव जो है हमारे हैंडल में रहे, हमसे चल भी नहीं सकता है। इलेक्शन के माहौल में कभी मीडिया आया नहीं, कभी थाना कभी आया नहीं, प्रशासन कभी आया नहीं, कभी देखता यहाँ का माहौल क्या होता है। अगर आप वोट मांगने जाते हैं तो लोग डर के कहते जाइए 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 जाइए, भूतपूर्व वो मुखिया जी आएंगे तो देखेंगे तो हमको कुछ उल्टा सीधा करने लगे। ऐसा डर बैठा हुआ है हर बच्चों में, बूढ़े बूढ़े में और जवान जवान में। मतलब आपको लगता है कि ये पंचायत ही साला कुछ अजूबा है, ये पंचायत ही कुछ ऐसा अजूबा है। अभी जो घटना के बारे में बता रहे थे, ये क्या वाकई ये कहाँ तक सही है? जी, ये बिल्कुल सही है। ये मेरा छोटा भाई है और इस रिकॉर्डिंग में इसको जो कॉल किया है, इसकी रिकॉर्डिंग में हम 4 लोगों का नाम दिया गया है। राहिल मेरा भतीजा है, सरफराज, राहिल मेरा नाम हुआ, मेरा भतीजा सरफराज है और मेरे चाचा हुए नाजिम। ये 4 आदमी को इंडिकेट कर गया और पूरे टोला वासियों को गाली दिया गया है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन पे से यही उम्मीद करते हैं कि उचित कार्रवाई उन लोगों पे हो जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये जानकारी मोबाइल के द्वारा सुने, इससे बहुत दुख हुआ। मुखिया जी को, कार्यकर्ता को, या इस जमाने में चमचा कहा जाता है, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनको हम समीक्षा करना चाहिए कि हम 10 साल में क्या खोए, जो इस तरह का हुआ, उस खोए हुए चीज़ को उनको खोजना चाहिए, बैठना चाहिए, समाज में मिलना चाहिए कि क्या हमसे त्रुटि हुई। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है जो इस तरह से बोले एक मतदाता के कारण। तो आप लोग समाज के गणमान्य लोग हैं, आप लोगों ने कभी इस पे पहल करने की कोशिश नहीं की? ये आज मामला 3-4 दिन हो गया इस बात को। जी, पहल हुआ, जो केस करना था तो वो किए। अभी तक थाना प्रभारी, SP साहब या सब जगह दिया गया, उनका अभी तक कोई अति नहीं आया। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? ऐसे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उचित, जो समाज के दूसरे व्यक्ति को साथ इस तरह का दिन नहीं देखना। आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? जी, कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। कहना ये चाहेंगे कि मोहम्मद मुजाहिद को जो फ़ोन पे धमकी दिया गया, तो ये धमकी डरा करके ही वोट लेने का काम कर रहे थे। जब 2 तारीख को काउंट, 29 तारीख को जो है वो पोल हुआ था, और 28 तारीख की रात में हम लोगों को धमकी दिया गया कि अगर ये वार्ड जो है 1 से अगर ये लोग वोट नहीं देंगे तो देख लेंगे। ये धमकी दिया गया,
और 3 तारीख को जो काउंटिंग हुई 3 दिसंबर को, तो वहाँ से वो लोग हार करके जब आए यहाँ, तो हमारे वार्ड एक के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वार्ड सदस्य, उनसे कहा कि हमारा मिठाई क्या हुआ। 4-5 व्यक्ति आए और कहे मिठाई क्या हुआ हमारा हिस्से का, तो मिठाई दिया गया खाए। और चलते चलते उमेश बैठा ने ये कहा, और उनके साथ जो है गौतम जी थे, राजेश सिंह जी थे, और भी पंकज राय जी थे, ये लोग कहे कि तकिया और बिस्तरा हम दुतपुरा जेल में रख करके आए, इससे क्या साबित होता है आतंकवादी। और हमारे वार्ड एक के सदस्य लोगों को कहा गया कि ये आतंकवाद पाकिस्तानी आतंकवाद है, तो क्या पाकिस्तान में वोट लेने आ रहे थे इनके कार्यकर्ता लोग, रविशंकर बाबू जो मुखिया भूतपुर रह चुके हैं, पाकिस्तान में वोट लेने आ रहे थे, तो हम लोगों को आतंकवादी कहा गया। बस यही बताना चाहिए, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई किया जाए। खरसन पूर्वी में सर, अभी जो खरसन पूर्वी में जो घटना की चर्चा चल रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी जी, मुजाहिद हमको बताया कि ऐसे ऐसे मुखिया जी के बेटा हमको फोन पर जो है सो गाली उली दिए और धमकी उमकी दिए कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये सब सही बात नहीं है, समाज में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। हार जीत तो एक अलग चीज़ है, वो होता रहता है, कोई अभी 4 या 5 जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं उसमें से तो कोई एक ही जीतेंगे, 4 तो हारेंगे ही, लेकिन समाज में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, यही हम कहेंगे। चाहिए कि साथ में हम लोग सोते बैठते, तीनों भाई साथ में रहते हैं, फ़ोन करके सनी सिंह जो भी थे, सरोज राय, फ़ोन करके धमकाए, गाली फजत दिए, इस चीज़ के बारे में हम लोग थाना हर जगह दौड़ भाग किए हैं, अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात कि गांव में भी पहले हम लोग गए थे, सरपंच जो भी आदमी जो है मेन वो लोग रिस्पॉन्स नहीं लिए, तो हम लोग आगे कार्रवाई किए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के आप भी मेरा साथ दीजिए और मेरा आगे समर्थ कीजिए। संबोधित करना ये किसी कानून में प्रावधान में नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का उल्लंघन अगर करता है कोई, तो उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करता है किसी व्यक्ति के साथ कानून उल्लंघन करने के बाद, तो उसका उचित से उचित कार्रवाई करे, मैं इसी चीज की मांग करूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उचित से उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। ये बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे बच्चों के साथ जो है फोन पर धमकियां दी गई, वो ये भय का माहौल बना हुआ है, यहाँ चुनाव है, कोई भी किसी को मत दिया, अब ये तो पता नहीं किसको कौन सा दिया मत, जबकि हमारा वार्ड नंबर 1 आता है, इसमें सबसे ज्यादा मत उन्हीं को मिला है आपके वार्ड से। जी हाँ, तो हम बच्चों को इस वजह से धमकी की वजह से निकलने भी नहीं दे रहे घर से इधर उधर, और प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई करे कुछ, जब तक प्रशासन नहीं आएगा, कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक तो हम कैसे बच्चों को घर से बाहर जाने देंगे, तो ये सारा सब कुछ बंद पड़ा हुआ है हमारा। समाज के कितने लोगों से आपने कहा होगा इस घटना को लेके, आपने जाके अपनी अपील की होगी? बहुत से लोगों से अपील की है, खास तौर से उनसे भी अपील करवाई गई है जो हारे हैं। हाँ, उनसे भी कि आप अपने बच्चों को थोड़ा देखें। हाँ, समझाएं। जी हाँ, उनसे भी बताया गया। तो अभी तक कुछ रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिला कि नहीं? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जो है यहाँ ये शांति अमन फैलाएं और जो है सो आ करके जो इस भय के माहौल को दूर करें। वो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है सर। हम जानकारी तो है, इसका ऑडियो वायरल हुआ था तो उसमें पता चला, तो हम पूछे, भैया से भी पूछे जो क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला जो यही सब गाली गंजन हो रहा है, तो मुझे जानकारी लगा, तो हम कहे ये सब चीज़ तो गलत है, गाली नहीं देना चाहिए, मत है किसी का, मत है किसी को देने का, हम किसी के साथ रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, भाई के साथ हुआ है, इसको न्याय चाहिए। वार्ड से आते हैं आप? 9 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार भार्गव। कितने नंबर वार्ड? 1 नंबर वार्ड में। डर नहीं लगता आपको? डर कुंजा लगेगा, मरना आज भी है, मरना कल भी है, वहाँ 10 वर्ष चल रहा है। हम जो है हमसे अच्छा जानवर है, जानवर एक सरकारी मरता है तो कुछ करो देता है, और यहाँ तो सोच चाहता है कि हमको वोट चाहिए, तुम दुनिया मर जाओ कोई मतलब नहीं है, ये मुखिया या मुखिया के चमचा का गर्दन कफन डाल लिए हैं, तो आज ही मरेंगे कल ही मरेंगे, मौत से भी कभी खाली नहीं है, मौत बहुत हक है, अब चहारम हुआ ये छठियार हुआ है तो चहारम होना है, कोई डर नहीं है।